अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मैगी मसाला की आज हम फुल रेसिपी आपसे हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आग को जला लेंगे। अब इसमें कढ़ाई को रख देंगे। अब हम इसमें 2 स्पून घी को ऐड कर लेंगे। हमारा घी अच्छी तरह से हीट हो चुका है। अब हम इसमें 3 लहसुन के पीस को ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी ग्रीन चिली को भी ऐड कर लेंगे। साथ साथ में चम्मच कुछ लाते रहना है और अब इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऑनियन को शामिल कर देंगे। और साथ साथ में चम्मच को भी लाते रहना है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ग्रीन टमाटो को भी ऐड करेंगे। टमाटो को भी अच्छी तरह से हमने पका लेना है। 1 टेबल स्पून अब हम इसमें रेड चिली का ऐड कर लेंगे। साथ में 1 स्पून साल्ट का भी ऐड कर लेंगे और साथ में 1/2 स्पून हल्दी का भी ऐड कर लेंगे और साथ में हम पानी को भी ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हमारा मैगी का मसाला अच्छी तरह से बनके तैयार है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर लेंगे। हमारा पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें मैगी को ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मैगी मसाला को ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें चम्मच को चलाएंगे, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे। हमारी मैगी मसाला बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। हमारा मैगी मसाला अच्छी तरह से बन के तैयार है। आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है।